रोलिंग कैमरा एक्शन। फिर से हाय गाइस, हेलो। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा क्या होने वाली है आज की वीडियो। यस, मैं पहले एक बात बताती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में थ्री चीज़ों से ज़्यादा प्यार है। फर्स्ट ज्वेलरी, सेकंड क्लोथ्स एंड थर्ड माई सेल्फ। ओह, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो के अंदर चलते हैं, चलो। सो गाइज, ये मेरा जो है ये एक पैकेट है, मतलब जो डिब्बा है ये एक है, जिसमें मैं अपने अभी की जो लेटेस्ट सारी ज्वेलरीज है ना, मैं उसको यहाँ पे सेव करके रखती हूँ। यू नो कि मैं कितनी बड़ी ज्वेलरी लवर हूँ, बहुत ज़्यादा। सो मैं ऐसे ही बॉक्सेस में मैंने पैक करके रखना मुझे रखा है अपने इसमें। एंड सेकंड वन इज़ दिस, जो कि है जो कि है मेरा बहुत पुराना जो भी मैंने ये लिया था, ये सब पुराना है। बाकी नहीं, पुराना सब नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने इसमें नया भी स्टोर, हाँ गाइस, नया भी स्टोर कर रखा है। एंड इसके अंदर मैंने एक बॉक्स और रख रखा है, जो कि है ये। एंड ये भी नया ही है, ये भी लेटेस्ट ही है, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले लिया है। सो ये है जो मैंने ये सब बाय किया था। एंड अभी भी मैंने इसे इन्हें अच्छे से स्टोर करके रखा है, बिकॉज मैं पहले इतनी लवर नहीं थी जो मैं अब हो गई हूँ। Yes, I am a jewelry lover. Okay, तो ये है, ये एक्चुअली मैंने इसमें स्टोर कुछ दिनों के लिए रख रखा है, जब तक मैं अपना बॉक्स नहीं मंगा लेती, जब तक मैंने इसमें स्टोर कर रखे हैं अपने जो भी, मतलब यू नो, नेकलेस विद इयरिंग्स है, उनको मैंने यहाँ स्टोर करके रखा है, ताकि क्या है कि जब मेरा बॉक्स आए तो मैं इसे निकाल के ऐसी उसमें भी स्टोर कर दूँ। कुछ दिनों के लिए मैंने इसमें स्टोर करके रखा है ताकि सेफ रहे। एंड हाँ, बस। ओह शिट, ओह माय गॉड, ओह शिट। ओके, सो एक्चुअली मैं बता दूँ, मेरे पास अलग से ज्वेलरीज हैं जो ये जो मेरी बाहर पड़ी हुई थी, जिनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट कभी कभार यूज़ करती तो मैं ऐसे फेंक देती हूँ इन्हें। बाकी पर मैं अपनी ये सारी ज्वेलरीज बहुत संभाल के रखती हूँ। इनके अलावा जो मैं संभाल के रखती हूँ वो ये सब ज्वेलरीज जो बाहर पड़ी रहती हैं, जैसे ये रिंग है, ये ब्रेसलेट है, इन्हें मैं ऐसी बाहर कभी फेंक देती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज ज्वेलरी वीडियोस बनाई। मैं जल्दी गई, सब जगह मैंने ढूंढा कहाँ मैंने चीज़ें स्टोर करके रखी है, कहाँ मैंने दबा के, कहाँ मैंने बहुत कुछ मैंने ऐसे फैला के रखा होगा। मेरी बहुत सारी ज्वेलरी तो सारी गुम हो गई हैं, और मेरे पास इसके अलावा और भी है ज्वेलरीज, बट मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को वो पहननी नहीं है, कभी कभार पहननी है तो मैं क्यों दिखाऊँ उन्हें। बहुत पुराना 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 था वो, इसलिए है सेंटा क्लॉस का मोजा सॉरी। सो ये है जो भी है, ये मैंने इसमें अपने रिंग्स वगैरह रख रखे हैं, जो कि मैं अपने अभी बॉक्स नहीं मंगाए मैंने, मतलब जब आ जाएंगे तब मैं इन्हें उसमें स्टोर कर दूंगी। मैंने इसमें इसलिए रख रखा है क्योंकि यहाँ पे सेफ रहते हैं, इसलिए। सो गाइस, अब मैं बहुत बोली, मैं अगर इतना बोलूँगी तो मैं यहीं तक जाऊँगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे छोटू वाले डिब्बे से, जो कि सबसे छोटा है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो या इसको हटा दीजिए, इसके बिना ऐसे करें ना तो ये दिखेगा नहीं ना, जो भी है इसको हम हटा देते हैं। ओके, मैंने हटा दिया, चलो इसको ओपन करते हैं एंड मैं इसमें दिखाती हूँ आपको इसमें क्या क्या है। इसमें ये वाइट से मैच होगा। ओह ना, अगर ये ब्लैक मैच हो तो। और मैं पहनना ही भूल गई। वाह वाह स्नेहा, बहुत केयरलेस हो तुम, बट इट्स ओके। स्नेहा काम चला लेगी इस स्नेहा से। ओके गाइस, मैंने ये बॉक्स है ना, इसके अंदर रुई लगा रखी है। रुई इसको बोलते हैं, जो भी है रुई, कॉटन। ओके सो मैंने इसके ऊपर रख रखा है क्योंकि ना मेरे को ना मतलब मैं ज्वेलरी से जो भी ज्वेलरी की केयर करने के लिए जो भी चीज़ होती है ना वो सब करती रहती हूँ। लाइक मैंने सबको पिन्नी में किया है, और जिसके पास पिन्नी नहीं है मैंने उन्हें यहाँ पे कॉटन के ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है। सो फर्स्ट हमारा ये। सो गाइस मैं बता दो, जो मैंने अभी पहन रखे हैं ये सेम वही है, इसकी मतलब इसकी तरह जो भी है, पर ये थोड़ा वैसा है लाइक थोड़ा शार्प टाइप का, पर ये बहुत वो है गोल गोल गोल, वो होते ना मोती जैसा, वैसा ही है। हाँ तो ये वही ये है ऐसा। अगर मैंने ये पहने नहीं अभी तक, बट आगे की वीडियो में मैं ज़रूर पहनूंगी। नेक्स्ट इज़ दिस वन। ये शैल वाले हैं और आई लाइक दिस सो मच, क्योंकि मैंने ये 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा मैंने पहन रखे हैं ये 2-3 बार, जब भी मैं लाई हूँ इन्हें। अभी लिया है मैंने ये शैल वाले। सो ये मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं यहाँ फ़ोटो डाल दूँगी अगर मैंने मेरे पास फ़ोटो है इसकी या फिर वीडियो है, मैं जो भी डाल दूँगी। वन ऑफ माय फेवरेट, फेवरेट से फेवरेट ऐसी ज्वेलरी जो होती है ना, जो ऐसी बिना लटकन वाली, बिना रोल वाली जो भी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इस पे लिखा हुआ है मुसाफिर। आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ मुसाफिर, बट आई लाइक दिस वर्ड मुसाफिर। वाह वाह सॉरी, मैंने अभी खरीदा है ये। सी हाउ इट्स लुकिंग, सी मुसाफिर हो तुम। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. ये भी मैंने अभी बाय किया है, इन सरोजनी। आपने ज़रूर देखा होगा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, इसका पेज जो भी है इंस्टाग्राम पे इयररिंग्स का पेज है, तो आपने ज़रूर देखे होंगे ये। ये भी मैंने सरोजनी से बाय किए थे, ये भी बहुत ही प्यारे हैं। सो एंड इस जो बॉक्स का ये है। नेक्स्ट इज़ बड़ी। सो मैं जब भी बाय करती हूँ ना रिंग्स, तो बाहर जब सरोजनी हो गई या फिर कहीं मॉल वॉल हो गया, तो मैं बड़ी ही बाय करती हूँ, मैं कभी छोटी नहीं करती। अगर इफ मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ, जो भी दुकानों से है वहाँ से मैं छोटी ज़रूर बाय करती हूँ, बट मॉल वगैरह जाती हूँ तो मैं इतनी बड़ी बाय करती हूँ। एंड ये हमने तब ली थी मेरी सिस्टर ने, जब हम लोग मुंबई गए थे। एंड ये हमने तब बाय की थी जब आई डोंट नो तब कब। ओके सो नेक्स्ट है दिस वन। दिस इज़ ऑल्सो सो क्यूट। ये शादी में बाय किया था मेरी सिस्टर ने, बहुत अच्छा है। मैं इसे पहन के दिखा देती हूँ। अगर आपको चाहिए आप मुझे बता देना, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। सॉरी, आपको चाहिए ऐसा तो मैं आपको ज़रूर ढूंढ के दूंगी। तो मैंने कहीं ऑनलाइन वगैरह से बाय नहीं किया था, बट इफ़ मेरे को ऐसा कुछ मिलता है मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। ये बॉक्स हमने दिखा दिया है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमने हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फेवरेट बॉक्स, जिसमें मैं अपनी सारी फेवरेट ज्वेलरीज रखती हूँ। हाँ वो भी है, फेवरेट है, पर क्या है ना कि ये वाला बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा लगता है तो लगता है। इसे ओपन करते हैं। मेरे सामने ही आ गया ये। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओह गॉड, इसे हम क्या बोलते हैं? मैं भूल गई इसे हम क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। छोड़ो, याद आएगा तो बताऊंगी। ठीक है, तो ये भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहन रखा है। दिस इज लाइक सर्कल टाइप ऑफ इयरिंग्स। ये वेस्टर्न इयरिंग्स हैं। अगर आपको कहीं पे मतलब या टॉप जैसे मैंने अभी टॉप पहन रखा है, उसमें मैंने ये सेम ऐसे ही पहन रखे हैं, पर ये थोड़े शार्प एंड हैवी डिज़ाइन के हैं। बट ये तो वैसे ही है, सिंपल टाइप ऑफ। ये सिल्वर टाइप है एंड इसमें बहुत ही मतलब यू नो शाइनिंग वाला सिल्वर कलर हो रखा है। एंड इफ़ यू वांट टू वेयर इट, सो अगर आप पहनना चाहते हो तो आप यूजुअली टॉप पे या फिर कोई शॉर्ट ड्रेसेस पे आप पहन सकते हो इसे। ओके, झुमका जो मैं पहले बहुत पसंद करती थी। ओहो, मेरा पेन सुन हो गया। गॉड, आराम सुन। ओके सो गाइस, ये है झुमकीस। ओके हाँ, सो ये है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ ये मैंने कब बाय किया था। ये भी मैंने मार्केट से बाय किया है। ये जब मेरा शूट हुआ था अभी गाने का, जो मेरा पहला सॉन्ग है उस पर जब शूट हुआ था, उस पर जो मतलब एक इंडियन ड्रेस के ऊपर मुझे पहने थे, तो मैंने ये बाय किया था झुमके गोल्डन। सो ये मैंने बाय किया था जब मुझे वो वो बनानी थी, क्या कहते हो उसे, हाँ, मुझे वीडियोस बनानी थी। तब मैंने सोचा था कि मैं रेड कलर की साड़ी पहनूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत मतलब पुराने वालों में से मैंने पहन रखे हैं, तो मैं दोबारा क्यों रिपीट करूँ उन्हीं झुमके। तो मैंने वो बाय दोबारा किए थे। इसमें मैं बता दूँ दो मतलब मैंने एक ही पॉलिथीन में दो स्टोर करके रखे हुए हैं। एंड ये भी मतलब यही है जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं सारे। ये गोल है एंड इस बॉक्स में भी गोल वाले हैं। ये भी मैंने गोल पहन रखे हैं। मतलब आपको पता ही है कि अगर मतलब जूड़े पे पहनना हो तो आप राउंड मतलब गोल वाले पहनोगे। और ये मैंने कल ही पहने थे। मतलब आउच, मेरा पैर। व्हाट सी, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। एंड ये दोनों ऐसे हैं, पे पहन सकते हो आप। और हाँ, सूट भी पहन सकते हो। आपको वेस्टर्न भी पहनना है वो भी आपको पहन सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और डेली भी पहन सकते हो आप, जो भी है। ऐसा क्या है ना, झुमके जो ज्वेलरी है, आई लव माई ज्वेलरी सो मच। मतलब मुझे कोई दे देना। मैं जब भी बोलती हूँ ना, मुझे किसी पे भी गिफ्ट करना, तो मैं सबको यही बोलती हूँ, मुझे गिफ्ट करना है ना तो सिर्फ ज्वेलरी करो, मुझे और कुछ नहीं पसंद। आई लाइक ज्वेलरीज, क्लोथ, बस कुछ भी नहीं पसंद। या फिर मेरे को डेकोर का सामान बहुत अच्छा लगता है, पर फॉर माई सेल्फ आप मेरे को सिर्फ ज्वेलरी दे दोगे ना, आई लव ज्वेलरी। आपको मैं खर्च भी नहीं कराना चाहती। और गाइज मैं आपको बता दूँ इसके लाइक दिस वन जो भी ये है उसकी तरह मेरा ये भी है। ये वाले, ये आपने देखे ही होंगे। मैं आपको यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी, इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत वो हूँ, थोड़ी आलसी टाइप, तो इसे खोलूँगी फिर डालूँगी ये वह। सो इसलिए आपने देखा ही होगा। एंड ये भी एकदम सेम है। मिरर, इन पर मिरर टाइप वर्क हो रखा है, डायमंड। देखोगे मिरर टाइप वर्क भी हो रखा है, डायमंड वाला भी वर्क हो रखा है। इस पर भी सेम ही है, मिरर का वर्क हो रखा है इस पर, एंड इस पर डायमंड का वर्क हो रखा है। ये मैंने दिवाली पे ख़रीदे थे, इस वाली दिवाली पे नहीं, इससे अगली वाली दिवाली पे मैंने ये बाय किए थे। फिर मैं गई हूँ ना, मुझे वेस्टर्न ज्वेलरी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर मैं 4 to 5 टाइम जो भी मैं शॉपिंग करूँगी ना, सिर्फ मैं अपने शॉपिंग इंडियन। मेरे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। तब देखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन माई मूड। तो मैं जो भी है, सो ये मैंने ख़रीदा था पिछली दिवाली पर। इस पर भी डायमंड टाइप का वर्क हो रखा है। एंड आई लाइक दिस वन जो भी है। मैं पिंक कलर की ज्वेलरीज एंड दिस टाइप ऑफ डायमंड ज्वेलरी आई लाइक सो मच। क्योंकि ये ना थोड़ा रिच टाइप ऑफ मतलब अच्छा सा वो देती है, थोड़ा वाइब्स रिच टाइप की देती है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। सो मैं बता दूँ आपको, इसमें सारी जो भी है ना ज्वेलरीज, उनमें से जो मेरी ओल्ड वाली ज्वेलरीज हैं उनमें से सिर्फ आई लाइक दिस वन सो मच। एंड मैंने पहन रखी है ज्वेलरी, मैं पहनी है तो आपने ज़रूर देखी होगी। फॉर बॉयज़, बस आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है, आपके गर्ल्स मतलब जो भी है लड़के को गिफ्ट करना है, सो आप इस वीडियो से आइडिया ले सकते हो व्हाट गर्ल्स लाइक द मोस्ट। अगर आपकी जो भी है आपको जिसको भी गिफ्ट करना है, अगर वो पहनते हैं वेस्टर्न ज़्यादा तो आप उन्हें इंडियन गिफ्ट करना है, एंड अगर वो इंडियन ज़्यादा पहनते हो तो उन्हें वेस्टर्न गिफ्ट करना, उल्टा अपोजिट करना, ठीक है। सो बट बाद में मैं करूँगी तो आपसे बात करते करते मैं इन्हें पैक कर दूँ तो इट्स बेटर। बहुत से लोग ना ऐसे करते हैं, जिस दिन उन्हें वीडियो बनानी होती है ना, तो एकदम से जल्दी से स्टोर कर लेते हैं अपनी ज्वेलरीज को अच्छे से, ताकि ऐसा दिखे कि हाँ वो अपनी ज्वेलरी बहुत संभाल के रखते हैं। गाइज मैं बता दूँ, मैं ऐसी ही ज्वेलरी रखती हूँ जैसे आपको अभी दिख रही है, और मैंने आपको दिखाई कि जो भी मैं अपनी ज्वेलरीज है ना जो मैं स्टोर करके अच्छे से नहीं रखती, वो ये वाली ज्वेलरीज हैं जो मैंने आपको अभी भी दिखाई हैं, वो ये भी है जो मैं अच्छे से स्टोर करके नहीं रखी। मैंने ये सब अभी निकाल के लाई हूँ ताकि क्या है ना सब मैं आपको दिखा दूँ। और देखे ही होगी, मैंने ये अभी पहने थे कुछ वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में पहन रखा। ये मैंने जहाँ से बाय किया है ना एक्सेसरीज क्लब से, मैंने ये बाय किया था। इंस्टाग्राम पेज है उनका, तो अगर आपको ये चाहिए मैं इसकी फ़ोटो यहाँ डाल दूँगी अगर आपको ये चाहिए। वैसे मैं इन सब ज्वेलरी का जो मैंने ऑनलाइन बुक किया है, मैं सबका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में हो मैं दिलवा दूँगी। तो हाँ, ओके, नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट नॉट इयररिंग नथिंग आर लाइक माय नोज़ पेन। इट्स नॉट पेन, इट्स लाइक नोज़, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे। मैंने इसे बाय किया था जब मुझे उत्तराखंडी वाले लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, जो लोग गढ़वाली हैं उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी जो, तब मैंने इसे बाय किया था। तब मैंने सोचा कि मतलब ऐसा नहीं पहनते वो, मतलब ये जो है इंडिया में पहनते हैं हमारे, मतलब इंडिया मतलब जो भी है, सॉरी इंडिया में नहीं, सॉरी ये हमारे यहाँ के पहनते हैं जो भी राजपूत लोग में ऐसा ही पहनते हैं, ठाकुर राजपूत। पर जो उत्तराखंडी वाले पहनते हैं वो बहुत बड़ा होता है, वो मेरे को कहीं नहीं मिला। तो मैं सोचा कि मुझे तो मतलब एक दुकान पर वीडियो बनानी है, मुझे पूरा उत्तराखंडी नहीं लगना, थोड़ा बहुत लगना, तो मैंने इसको थोड़ा ले लिया, परचेस कर लिया। लड़कियाँ ऐसा ही पहनती है इसलिए मैं उन्हें देख के ऐसा लाई हूँ, वैसे भी उनकी ज्वेलरी अलग होती है। हाँ, तो मैंने ये कहीं से बाय नहीं किया था, मैंने मार्केट से बाय किया था। लोगों को ज्वेलरी पसंद आते ना, फिर उन्हें पता चलता है ये तो ऑनलाइन है ही नहीं, अरे ये तो ऑनलाइन है ही नहीं यार। सेकेंड इज दिस वन जो कि मैंने बाय किया था एक्सेसरीज बाय मानसी से, उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं वो ये इसका भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइज ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो दे दूँगी। ये बहुत ही प्यारे इयररिंग्स है, इस पे है गणेश जी, गणेश जी त्रिशूल का वो बना हुआ है, ये देखो। और ये देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर ऑर्डर कर सकते हो। एक्चुअली बता दूँ ये और इसके साथ एक और मैंने बाय किया था, वो दोनों एक साथ बाय किए थे क्योंकि वो सेल में थे। एंड जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि अगर आपको चाहिए गाइज, ये बहुत ही अच्छा वो दे रही है, आप ये मत समझिए मैं कोई प्रमोशन वगैरह कर रही हूँ, बट मैं इसकी क्वालिटी वाइज बता रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा है, अगर आप बाय करना चाहो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम गुड वाले हैं, क्योंकि इसमें ना जो भी वर्क है ना कभी छूटेगा फूटेगा नहीं, इसमें डायमंड वर्क है और इसमें जो झुमकियाँ लगी है बहुत ही प्यारी है। सब एकदम बहुत ही है ना, ऐसा है कि मतलब टूटने फूटने का कोई है नहीं। ए तू कहाँ जा रहा है? ये मैंने मंगाया था, आपने देखा ही होगा, मैं इसकी स्टोरी भी डाली थी प्रमोशन के लिए। सी गाइस ये भी बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे इयररिंग देती है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है इनका, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बहुत ही प्यारा होता है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, एकदम ब्रांडेड टाइप लगता है आपको, ये रिच भी लगता है। इसमें ये मोर टाइप का बना हुआ है, दिए भी बना हुआ है इस पर, यू कैन सी। एंड मैंने पहन रखे तो मैं आपको यहाँ से पिक्चर दे दूँगी। ओके मूविंग ऑन। सो मैंने ये इसके साथ ये भी बाय किए थे, ये आपने देखे होंगे बहुत बार, ये हिना खान ने भी पहन रखे थे। सो मैंने हिना खान पे देखे थे, उसके बाद ही मैंने ये बाय किए थे। मेरे कोई पहले अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने हिना को देखा, वो बहुत आई लाइक हर सो मच, उसने पहन रखा था तो मैंने ये लिया बिकॉज ऑफ हिना खान। पर फिर वो तो अच्छी लग रही थी, मैंने पहना तो मैं नहीं अच्छी लग रही थी, मैं उसकी मतलब छोड़ो। पर ये बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं जब मुझ पे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा तो आप पे भी नहीं लगेगा। मेरी बस सूरत सी शक्ल और आपकी। सो एनीवेज ये बहुत ही अच्छा है। इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको इनका दे दूँगी। ऐसे लेने में ये बहुत हैवी है और इसे यहाँ पे मतलब जो पहनते हैं इसे इसमें भी बहुत हैवी है और इसे क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है ये। अरे ये शर्मा रहा है ये ना, ये खुल नहीं रहा। बहुत प्यार करते हैं आपस में ये दोनों। कोई नहीं, अब तुम्हें पहनना तो मुझे पड़ेगा ही ना। 2000 years later देखो सी कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही प्यारा है, आप देखोगे तो ये बहुत नीचे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी ये ऐसे ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो कि मतलब थोड़ी हैवी टाइप में होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। देखो किस में, हाँ ऐसे आप यहाँ पे डालोगे इसे और यहाँ बालों में। सी दिस इज सो क्यूट। सो गाइज अगर आपको चाहिए आप जाके बाय कर सकते हो इसे। ये दोनों ऐसे ही हैं, आपस से छोड़ते नहीं हैं। तो मैं आपको पहले वार्निंग देती हूँ, अपने एक एक एयरिंग को आप अलग अलग रखिएगा, ये बहुत दिक्कत देते हैं बाद में। ओके इसे हम बाहर निकालते हैं और ये है उस जो मैंने अभी आपको झुमका दिखाया उसके साथ ही आया था, मतलब उसी का साथ ही है ये। ओ गॉड आई गॉट सो मच। सो इसे हम निकाल देते हैं, जैसे आए थे ना मुझे वैसे रखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। दिस लाइक दिस एंड लाइक। अगर देखो गाइज अगर आप ये आप पहन सकते हो लाइक टी शर्ट्स के ऊपर, इसे अपने टी शर्ट एंड घाघरे के ऊपर स्टाइल कर सकते हो एंड ये बहुत ही प्यारा है सी। बट ये चोकर टाइप नहीं है, ताकि मैं अगर ये होता